आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग झारखंड जी के कवर कर रहे थे आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इसके 6 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका हमने एक सेपरेट से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अभी जैसे कि अभी हाल ही में इलेक्शन अभी समाप्त हो चुका है, और जैसे कि आपने देखा था कि जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम जो होने वाली थी 19 तारीख को, तो उसकी एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। यानी कि 12 तारीख को इसकी सूचना आई थी, मतलब जारी करने की 12 तारीख को आज कर दी गई है। तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका जेएसएससी का एग्ज़ाम है जो सीजीएल का, तो वो भी जल्द ही होने वाला होगा। क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया है, अब जल्दी एग्ज़ाम होगा तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करना होगा। तो हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको डेली एक वीडियो इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रोवाइड करें। तो आप लोग अपने तरफ से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट जो है, जैसे कि आपका जनरल साइंस का है, तो वो भी हम बहुत ही जल्द लाएंगे, उसको डिटेल में कवर करेंगे हम लोग, ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सके। हमारा टारगेट है कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज हम लोग झारखंड जीके का ये पार्ट 7 होगा आपका, तो इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। तो देखिए क्वेश्चन है कि झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद से उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि जितने भी चीफ मिनिस्टर अभी तक हुए हैं झारखंड में, तो उनका मैंने आपको लिस्ट दिखाया था पहले भी, और वो किन किन पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया था, और कितने बार कौन से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो एक बार आज भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है कि जैसे झारखंड का जब भी निर्माण हुआ 2000 में, तो सबसे पहले बने थे बाबूलाल मरांडी बने थे, और ये बीजेपी से बिलोंग करते थे, और इनका कार्यकाल जैसे कि जितना भी रहा था, तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। फिर सेकेंड नंबर पे थे अर्जुन मुंडा, और ये भी जो पार्टी से बिलोंग करते थे बीजेपी से ही थे। तीसरे थे शिबू सोरेन, इनका जो पार्टी का था वो जेएएम था। उसी तरीके से फिर देखिए दूसरे टर्म यानी कि दूसरे बार फिर से अर्जुन मुंडा बनते हैं यहाँ पे, तो ये बीजेपी से ये बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद देखिए जो चौथे नंबर पे जो सीएम बने थे यहाँ पे, तो ये देखिए मधु कोड़ा थे, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे यानी कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1 साल का था, 11 महीने और 8 दिन का रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चौथे नंबर के जो सीएम थे आउट ऑफ जो मतलब कि जो 6 सीएम अभी तक बने हुए हैं टोटल, तो उनमें से जो मधुपुरा है ये क्या है कि जैसे कि मतलब एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जो कि चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि जो एक ही है कि जो एक निर्दलीय उम्मीदवार बने थे अभी तक। तो ये चीज़ आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे आपका जैसे चौथे नंबर के जो सीएम बने थे यहाँ पे मधु कोड़ा, मतलब चौथे चीफ मिनिस्टर थे ये। उसके बाद आप लोग और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिर बनते हैं शिबू सोरेन यहाँ पे, यानी कि जो आपका इनका जो जो टर्म था इनका वो 4 मंथ का था। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर उसके बाद फिर से शिबू सोरेन बनते हैं, फिर उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन लगा, फिर से अर्जुन मुंडा बनते हैं सीएम, फिर से राष्ट्रपति शासन लगा, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनते हैं ये, और उसके बाद फिर से देखिए जो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, तो उस समय रघुवर दास बने थे, और अभी जो फिलहाल में इलेक्शन अभी हुआ है, तो उसमें अभी देखिए फिर से हेमंत सोरेन बने हैं ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे हैं चीफ मिनिस्टर जो बने हुए हैं, तो वो कोई ना कोई पार्टी से बिलोंग करते थे अपना, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी से हो। लेकिन इनमें से आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो मधु कोड़ा ही है इसमें से जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो इस तरीके से कितने मतलब कि है जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो एक एक आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस लिस्ट को आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, इससे आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको वो सारा डिटेल दे दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स अर्जुन मुंडा हैज सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, यानी कि जो अर्जुन मुंडा है वो कितने टाइम जो है कि वो सर्व कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड का। तो देखिए ये लिस्ट आप लोग फिर से देखिए यहाँ पे कि कितने टाइम जो थे अर्जुन मुंडा बन चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप लिस्ट जो दिया हुआ है, तो जैसे कि 18 मार्च 2003 से लेके
2 मार्च 2005 उस समय ये पहली बार बने थे। उसके बाद सेकेंड टाइम ये मार्च 2005 से लेके और 19 सितंबर 2006 तक, तो ये सेकेंड टाइम बने थे। उसके बाद फिर देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे ये देखिए आप लोग यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि 11 सितंबर 2010 से लेके और 18 जनवरी 2013 तक, तो ये थर्ड टाइम वहाँ पे फिर से चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे देखिए जो यहाँ लिखे अर्जुन मुंडा है ये कितने टाइम से बने थे, तो 3 बार बने थे। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे और भी पूछा जा सकता है कि जैसे शिबू सोरेन है वो कितने टाइम सर्व कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर झारखंड का, या फिर इससे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे हेमंत सोरेन है वो कितने टाइम्स बन चुके हैं। तो वो भी अपना जो है यानी कि आप फिगर में आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये अपना जैसे कि तीसरा टाइम्स ये भी अपना कंप्लीट कर रहे हैं, सॉरी दूसरा टाइम होगा इनका यहाँ पे, यानी कि ये देखिए यानी कि ये सबसे पहले बने थे 13 जुलाई 2013 को, और उसके बाद 28 दिसंबर 2014 तक ये बने थे, और फिर से अभी ये बने हुए हैं। तो 2 टाइम इनका भी हो गया और 3 टाइम हो गया शिबू सोरेन का हो गया और 3 टाइम अर्जुन मुंडा का हो गया। तो इस तरीके से आप लोग हर एक पॉइंट को याद रखना है, किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्शन ऑफ द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन हेल्ड सिंस इट्स फॉर्मेशन इन द ईयर 2000। तो देखिए 2000 में जैसे कि अपना जो झारखंड का निर्माण हुआ था, तो उसके यानी कि वहाँ से लेके अभी तक जो विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं तो वो कितने बार हो चुके हैं। तो देखिए इसको आंसर करने से पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं कि कब कब जैसे कि झारखंड में विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन इससे किसी भी टाइप से आपसे पूछे तो आप लोग इजिली इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट असेंबली हुआ था यानी कि 2000 में जब हुआ था इसका, तो उस समय जैसे कि बाबूलाल मरांडी जो थे चीफ मिनिस्टर बने थे और साथ में अर्जुन मुंडा भी बने थे बाद में ये, फिर उसके बाद उस समय तो क्रिएशन ही हुआ था इसका। फिर देखिए जो सेकेंड असेंबली था वो यानी कि 2005 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय, और उसके बाद देखिए तीसरे टाइम हुआ था 2009 में हुआ था, और उसके बाद जो फोर्थ असेंबली था वो 2014 में हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सिंस ये क्वेश्चन अगर ये पहले की पूछा गया था तो उस समय आपका 4 होता, लेकिन अब फिर से हो चुका है अभी 2019 में भी, करेंट में भी देखिए इलेक्शन हुआ है दिसंबर में, तो अब क्या हो जाएगा आपका ये फिफ्थ असेंबली हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि हेमंत सोरेन जो है सीएम बने हैं, और ये किससे बिलोंग करते हैं, तो जेएम से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी जेएम की सरकार बनी है, तो इससे आपको भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कितना सीट जीता था। तो देखिए टोटल जैसे कि 81 सीट्स है यहाँ पे, तो उसमें से यूपीए यानी कि जैसे यूनियन पब्लिक अलायंस जो है, तो इनके गठबंधन की जो सरकार थी इसमें टोटल 47 मिली थी, जिसमें कि जेएम को 30 मिला था, और उसके बाद कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 था इसमें, और बाकी जो इसमें जो बीजेपी है उनको 25 था। तो इस तरीके से ये आप लोग लिस्ट देख लेना, ये जैसे कि 2019 का इलेक्शन सीट्स है ये। तो अब देखिए जो आपके क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था यहाँ पे कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के बाद कितनी बार हो चुकी है, तो देखिए 2019 से पहले कितना 4 था। तो इस तरीके से आपका 4 आंसर वो पहले होता, लेकिन अब आपको आंसर अगर जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा यानी कि 5 बार हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो देखिए इसका भी लिस्ट मैंने आपको दिखाया था, तो प्रेसिडेंट रूल की हम बात करते हैं तो टोटल जो है अब तक 3 टाइम्स लग चुके हैं झारखंड में। तो सबसे पहली जो राष्ट्रपति शासन लगी थी वो 2009 में लगी थी, फिर उसके बाद देखिए सेकेंड टाइम 2010 में लगी थी, और तीसरी टाइम 2013 में लगी थी। तो इसमें जैसे कि आपसे पूछा था तीसरी बार कब लगी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, 2013 हो जाएगा। तो देखिए 2013 आपका इसमें तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे कि आपका यहाँ पे मंथ भी दिया हुआ है जनवरी 2013, तो आपको मंथ भी हो सकता है कि आपको याद रखना पड़ जाए, हालांकि इसमें जैसे आपका ईयर ही दिया हुआ था सब अलग अलग है, लेकिन किसी में अगर मान लीजिए कि फरवरी 2013 दे देता और जनवरी 2013 भी दे देता, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे मंथ भी याद रखना होता। तो मंथ याद रखने के लिए ये वाला लिस्ट आप लोग इसको देख लेना बार बार, क्योंकि इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार दिखाता हूँ कि ताकि आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि लिस्ट भी दे दिया है, डेट भी दिया हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए था यहाँ पे, किस डेट को लगा हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 जनवरी 2013 से लेके 13 जुलाई 2013 तक था, यानी कि 5 महीने और 25 दिन का लगा हुआ था, जो कि ये तीसरी बार था। तो इस तरीके से आप लोग एक एक डेटा को अच्छे से याद कर लेना, ताकि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग उसको इजिली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है, यानी कि झारखंड में रबी फसल जो है वो कौन सा उगाई जाती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें आपका जैसे कि चना दिया हुआ है, मक्का दिया हुआ है, बाजरा दिया हुआ है और मूंगफली दिया हुआ है। तो ये लिस्ट भी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं और वो कब उगाए जाते हैं। तो इस लिस्ट को यदि आपने नहीं देखा होगा तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि रबी क्रॉप की फसल जैसे कि कब उगाई जाती है इनको, और इनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखिए जो रबी की फसल होती है तो ये बुआई के समय में इनको टेम्परेचर जो है उनको कम चाहिए, और जब पकते हैं यानी कि जब इनका पकने का समय हो जाता है तो उनको उस समय जो टेम्परेचर है वो शुष्क चाहिए और गर्म वातावरण की इनको आवश्यकता होती है। तो देखिए जो रबी की फसल होते हैं तो इनको हम लोग जैसे कि अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको बोया जाता है, यानी कि ठंड के दिनों में जैसे आप जानते हैं कुछ समय अब इनको बोया जाता है। तो इसमें जैसे कि आपका एग्जाम्पल है गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और सरसों हो गया और मसूर हो गया आपका यहाँ पे। और उसी तरीके से यदि हम खरीफ फसल की बात करते हैं तो इनको जब हम लोग बोते हैं तो इनको उस समय अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर हॉट चाहिए उस समय। अब जब ये पकते हैं तो उस समय इनको थोड़ा सा शुष्क वातावरण चाहिए, यानी कि थोड़ी सी ठंड हो जाए तो वो चलता है यहाँ पे, इस तरीके की जो उनके मतलब पकने के समय इनको चाहिए। तो जनरली देखिए इनको जब बुआई की जाती है इनका तो वो जून जुलाई के समय इनको बोया जाता है, और अक्टूबर महीने के आसपास इनको काटा जाता है खरीफ फसल। तो खरीफ की फसलें कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है धान हो गया यानी कि चावल आपका हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, गन्ना हो गया, उड़द हो गया, इसके अलावा बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, तुअर हो गया, जूट हो गया और कपास हो गया। और एक तरीका का फसल आपका होता है जायद की फसल होता है। तो जायद की फसल देखिए इनके लिए उगाने के लिए इनको तेज़ गर्मी की ज़रूरत होती है, और इनको उगाया जाता है मार्च या अप्रैल के महीने, मतलब इनको बोई जाती है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल यदि आपसे पूछे तो वो आपका हो जाएगा तरबूज हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा और खीरा हो जाएगा। तो इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आइए आप यहाँ पे कि कौन सा है कि जो रबी की फसल झारखंड में उगाई जाती है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें से, तो ग्राम आपका हो जाएगा यानी कि चना आपका दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रबी की क्रॉप है। और बाकी जैसे आप मेज है यानी कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया और मूंगफली हो गया, तो इनको हम जैसे कि खरीफ क्रॉप बोलते हैं और इनको हम लोग बोते हैं यानी कि जून जुलाई के महीने में बोया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग लिस्ट याद रख लेना वहाँ पे, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे झारखंड सरकार के द्वारा यानी कि इन्होंने जो चार औद्योगिक क्षेत्र को इन्होंने जो वर्गीकृत किया था तो उनमें से कौन कौन से हैं, तो ये लिस्ट हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो इन्होंने चार कैटेगरी में बांटा हुआ था, तो पहला आपका है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि जमशेदपुर के अंदर में आता है। तो ये देखिए ये जो एरिया है ये कोल्हान कमिश्नरी के अंदर ये कन्फाइंड होता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। दूसरा था बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका जो रीजन है यानी कि जो कन्फाइंड होता है तो ये नॉर्थ छोटानागपुर कमिश्नरी के अंदर में ये आता है। उस तरीके से देखिए जो तीसरा है वो है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये साउथ छोटानागपुर जो कमिश्नरी है और पलामू कमिश्नरी है तो ये उसके अंदर में ये आता है। और बाकी जो चौथा आपका है वो है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये जो कन्फाइंड रहता है वो संथाल परगना कमिश्नरी के अंदर तक ये रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार से जो कि मतलब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है जो सरकार द्वारा जो वर्गीकृत किया गया है। तो अब ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे, तो पहला आपका है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जमशेदपुर, तो ये तो है ही। सेकेंड आपका है बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी है। तीसरा है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रांची, तो ये भी है। लेकिन जो चौथा आपका इसमें जो दिया हुआ है कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये इसको जैसे कि वर्गीकृत मतलब इनको नहीं किया गया है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा। तो आप लोग उस लिस्ट को अच्छे से याद रखना और किस कमिश्नरी के अंदर वो बिलोंग करते हैं या आते हैं तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है। तो देखिए जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है तो इसके चारों ओर जो है वो दलमा हिल्स ही है। तो देखिए जो दलमा हिल्स आपका है
तो ये जैसे कि 13 किलोमीटर दूर है ये जमशेदपुर सिटी से। यदि हम बात करते हैं तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये जमशेदपुर में, मतलब कि जमशेदपुर जिले के अंदर में आता है। तो ये जो एरिया है जो कि मतलब फैला हुआ है, तो वो 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है पूरा इसका। अब देखिए जो इसका स्थापना जो किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखना 1976 में इसका किया गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे बोकारो का जो स्थापना जो किया गया था इसका, वो 1991 में इसको किया गया था। तो उस समय जैसे कि इसको स्थापना जो किया गया था, तो गिरिडीह जिले से, मतलब कि गिरिडीह जिले के ब्लॉक को अलग करके बनाया गया था। तो मतलब कि गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉक से अलग करके इसको बनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बोकारो जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये एक इंडस्ट्रियल जोन है। तो इसको जो मतलब कि अलग जो किया गया था, यानी कि 1991 में जब इसको बनाया गया था, तो उस समय एक सब डिवीज़न है जो कि, और दो जो ब्लॉक है धनबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था, और 6 ब्लॉक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से अलग करके इसको बनाया गया था। तो इसमें सिंस आपसे पूछा है कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से कितने ब्लॉक को अलग करके मतलब कि इसको बनाया गया था, तो आपका हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ब्लॉक हो जाएगा जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का था। लेकिन यदि आपसे धनबाद डिस्ट्रिक्ट का पूछता है कि धनबाद जिले से कितने जो ब्लॉक है इसको अलग करके बनाया गया था, तो वो 2 ब्लॉक हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग इजिली कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो देखिए ये आपको याद रखना होगा, जो चतरा जिला जो है, तो ये जो नेशनल हाईवे है वो 99 और 100, तो मतलब कि इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है स्थित है ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस मंदिर में श्रवण का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो बैद्यनाथ टेम्पल है, जो कि बैद्यनाथ धाम भी इसको बोला जाता है, तो ये भगवान शिव का एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पे जैसे कि महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है, और जो श्रवण का मेला है यानी कि सावन का जो मेला लगता है यहाँ पे, तो ये दोनों जगह फेमस है इसके लिए। तो ये भी आप लोग याद रखना। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ के लिए और फेमस है कि जैसे यहाँ पे यानी कि एंशेंट काल में यहाँ पे जैसे कि जो कॉर्प्स होते हैं, यानी कि जैसे जो मुर्दे होते हैं उनको भी जलाया जाता था, तो ये पवित्र जगह भी माना जाता था पहले। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो झारखंड का मैप है, आपको उसको अच्छे से याद करना होगा कि कौन सा जिला है वो, किस मतलब कौन से पोजिशन पर लोकेटेड है वो। जैसे झारखंड के वो नॉर्थ में है, नॉर्थ यानी कि ऊपर हो गया, या फिर आपका साउथ हो गया इस पोजिशन पे है, या फिर इस तरीके से इधर आपका वेस्ट हो गया और इधर आपका ईस्ट हो गया, या फिर इस तरीके से पूछा है कि आपका यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट में ये कौन सा, मतलब कि इधर कौन सा है, या फिर आपसे इस तरीके से भी होगा कि जैसे ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर कौन सा होगा और साउथ वेस्ट कौन सा होगा और साउथ ईस्ट कौन सा है। तो इस तरीके से यदि आपको जैसे झारखंड का मैप और उनके जिले कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है, यदि आपको ये अच्छे से दिमाग में वो मतलब है पिक्चर अच्छे से है, तो आप लोग क्वेश्चन इजिली कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए पूर्वी सिंहभूम का आपसे पूछा गया है, तो पूर्वी सिंहभूम देखिए कहाँ पे, यहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से देखिए ये आपका कहाँ पे है, तो ये साउथ इधर आपका हो गया और ईस्ट इधर है, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर पे पूर्वी सिंहभूम जो है स्थित है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण पूर्व कोने पर है आपका। और मान लीजिए कि इसमें आपसे गुमला के बारे में पूछता, तो गुमला आपका कहाँ हो जाता है, तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आपका हो जाता। उस तरीके से यदि आपसे चतरा जिला के बारे में पूछता, तो ये आपको कहाँ पे, नॉर्थ पे हो जाता। तो आपको जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के, आपको अच्छे से एक बार पिक्चर उसका जो है माइंड में आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी जिला के बारे में पूछा जाए, तो आप लोग उसको इजिली कर सकते हैं। या फिर इससे आपके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पूर्वी सिंहभूम है, तो ये कौन से जो राज्य है उसकी सीमा लगती है इसकी, या फिर जो आपका क्वेश्चन होगा कि गढ़वा जिला है, तो ये इसके कितने मतलब राज्य से इसका जो सीमा सटा हुआ है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग एक बार मैप को अच्छे से देख लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे। तो देखिए जो गढ़वा जिला है, तो इसको जैसे कि 1991 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था, तो उस समय ये पलामू का ही हिस्सा था, लेकिन पलामू के 8 ब्लॉक को अलग करके गढ़वा जिला को बनाया गया था। तो इसलिए आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो देखिए जो पारसनाथ जो पहाड़ी है, तो इसकी यदि हम समुद्र तल की बात करते हैं ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसका आंसर आपका 4431 फीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो डेटा है,
तो ये जब आप लोग देखिएगा कहीं अलग अलग जगह पे तो आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट जो होगा आपका तो वो क्लोज ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिवेशन इसका दिया गया है तो वो 4490 फीट दिया गया है, लेकिन आंसर में आप यानी कि ऑप्शन में आप देखिएगा तो थोड़ा सा इसका क्लोज नहीं है, उतना एग्जैक्ट फिगर नहीं है। बट बाकी ऑप्शन में आप देखिएगा तो यहाँ पर जैसे आपका 2451 फीट है, 6547 फीट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8795 फीट है, तो जो कि 4431 के कोई भी रेंज में आसपास है भी नहीं। यदि आपका मान लीजिए कि जैसे इसमें आपका अगर क्लोजनेस देता है तब थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो सकती थी। तो इस तरीके से आप लोग जो क्लोजनेस होगा तो वो उसको आप मार्क कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट ना भी मिले। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कितना मतलब ये ऊंचा है, तो 4431 फीट है यानी कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको कहीं पे ये भी मिल सकता है 4490 फीट है, बहुत सारे बुक में आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैसे ये आपका फीट में है, लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि ये आपको मीटर में दिया रहता तो मीटर आपका कितना होता, 1370 मीटर होगा ये। तो दोनों में आप लोग याद रखना है इसको। तो देखिए जो पारसनाथ जो पहाड़ी है तो ये पारसनाथ हिल पे ही, मतलब कि पारसनाथ का जो रेंज है जो पहाड़ी इलाका है तो उसी पे ये स्थित है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये भी आप लोग याद रखना, ये गिरिडीह जिला है उसमें ये वहाँ पे स्थित है ये, और छोटा नागपुर प्लेटू में ये उसके जो ईस्टर्न साइड है यानी कि जो उसका पूर्वी जो क्षेत्र है छोटा नागपुर प्लेटू का, वहाँ पे ये स्थित है। और देखिए जो ये जो पहाड़ है यानी कि ये जो हिल है तो ये लॉर्ड पार्श्वनाथ यानी कि जो जैन धर्म के जो 23वें जो तीर्थंकर थे तो ये उन्हीं के नाम से इनको मतलब कि जो है नाम रखा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था। तो देखिए जो सिमडेगा जिला है तो ये 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला से इसको अलग करके 21वां जिले के रूप में ये इसको बनाया गया था। तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग और भी देख लेते हैं कि जैसे जो भी जिले थे यानी कि झारखंड के गठन के बाद जो बनाए गए थे तो वो उनको कब कब बनाया गया था और वो कितने नंबर के थे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जब इनको जब गुड यानी कि जैसे झारखंड की जब स्थापना की गई थी तो उस समय जो जिले की संख्या थी वो 18 थी, लेकिन जब निर्माण हुआ इसका तो उसके बाद 6 और नए जिले को बनाया गया था। तो उसमें से देखिए सबसे पहले जो 19वां जिला को बनाया गया था वो लातेहार जिला था, जो कि 4 अप्रैल 2001 को इसको बनाया गया था, और वो भी पलामू से अलग करके। फिर देखिए जो 20वां जिला था वो जामताड़ा है, और ये 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया था इसको, और ये दुमका जिला से अलग करके बनाया गया था। फिर देखिए जो 21वां जिला है जो कि सिमडेगा अभी आपसे पूछा गया था, तो इसको देखिए गुमला जिला से अलग करके 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। फिर जो 22वां जिला है वो है सरायकेला खरसावां है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद देखिए जो 23वां जिला है तो वो खूंटी से अलग करके, जैसे खूंटी को बनाया गया था, सॉरी इसमें 23वां जिला जो था आपका वो रांची से अलग करके खूंटी जिले को यानी खूंटी को अलग जिला बनाया गया था वो 12 सितंबर 2007 को, और उसी दिन देखिए 12 सितंबर 2007 को जो 2400 जिले के रूप में रामगढ़ को ही बनाया गया था, और इसको हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग इनका कौन से जिला है किससे अलग करके बनाया गया था और किस डेट को बनाया गया था और वो कितने नंबर के थे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए जितने भी झारखंड के जितने भी जिले हैं तो उनकी स्थापना कब कब की गई थी, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, इस लिस्ट को आप लोग फिर से देख लेना, क्योंकि देखिए इनसे आपका क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है और किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन है उसका सीरीज करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट 7 था यहाँ पे हमने इसको देख लिया, तो आपको कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए अब आपका जैसे कि अब एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है, तो आप लोग अपना जो स्पीड अप है वो कथी यानी कि बढ़ा दीजिए यानी प्रिपरेशन करने का, क्योंकि देखिए जो अभी जेपीएससी के जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो लग रहा था डाउट कि नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम, लेकिन वो उसका देखिए आ चुका है डेट, और एग्ज़ाम भी मतलब एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है इसका भी वो शीघ्र ही होने वाला है। तो आप लोग जो है अपने तरफ से तैयारी शुरू कर दीजिए, हम भी आपके लिए वीडियो लगातार लाते रहेंगे, तो आप लोग भी शेयर करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।